हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे मार्वल और डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च के महीने में रिलीज होने वाली है जस्टिस लीग, जिसकी कुछ ऑफिशियली इमेजेस रिलीज कर दी गई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है, जिसमें कि वंडर वुमन, स्टीवन वुल्फ और देन डार्क साइड की रिलीज करी गई है। और सबसे ज्यादा बात करी जाए तो डार्क साइड का लुक बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, और ये सारी की सारी इमेजेस फुल HD में मेरे ट्विटर हैंडल पे पड़ी हुई है, तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल में वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हो। उसी के साथ आप बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है एक यूट्यूबर से रिलेटिव। तो लोगन पॉल जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने चैलेंज कराया क्रिस हेम्सवर्थ को, यानी कि हमारे गॉड ऑफ थंडर को, फाइट चैलेंज के लिए। जी हाँ, तो देखते हैं जब भी कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा इन दोनों के बीच का। उसी के साथ वांडा विजन के पहले रिएक्शन आपको सैटरडे को देखने को मिल जाएंगे, और जो भी अपडेट आएगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपडेट दे दूंगा क्या रिएक्शन आई है इस टीवी सीरीज के। लोकी का सेकंड सीजन ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और मार्वल स्टूडियो अब इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि डेवलपमेंट में है, और जैसे कोई और ऑफिशियल अपडेट आएंगे आपको बता दूंगा। उसी के साथ लोकी के जो राइटर हैं अब वो काम कर रहे हैं केविन फाइगी के साथ। अब क्यों काम कर रहे हैं उसका भी रीजन बताता हूँ। केविन फाइगी ने काफी टाइम पहले डील साइन करी थी स्टार वॉर्स के साथ कि वो एक स्टार वॉर्स की मूवी बनाएंगे, और देन अब लोकी के राइटर और केविन फाइगी एक साथ काम कर रहे हैं स्टार वॉर्स की नई अपकमिंग मूवी पे, जिसमें कि अपडेट्स आ रहे हैं कि स्टार वॉर्स में आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक विलेन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो मे बी इतने सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें यही पता चला कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर थ्रोन्स का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, जो कि रेवल्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और देन मेरा फेवरेट भी था, तो ये एक बहुत बड़ा विलेन है स्टार वॉर्स का। उसी के साथ आज बात करते हैं कि फाइनली ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं ड्रैक्स, जी हाँ, यानी कि डेव बटिस्टा, और उसी के साथ पहुंच चुकी हैं कैरोलिन जो कि नेबुला का कैरेक्टर प्ले करती हैं, और पहुंच चुके हैं क्रिस पर्ट जो कि स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले करते हैं, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, और देन ये तीनों कैरेक्टर पहुंच चुके हैं। तो जी हाँ, और भी जो भी सेट फुट इससे रिलेटेड अपडेट आएंगे वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। उसी के साथ स्टार वॉर्स की न्यू टाइमलाइन रिवील कर दी गई है, जिसमें हाई रिपब्लिक ब्लैंक पूरा पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर में और भी नई मूवीज आएंगी जो कि लगेंगी। जेसन मोवा की भी एक नई इमेज रिवील्ड करी गई है जस्टिस लीग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है, और देन मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसी के साथ अगले अपडेट की बात करते हैं, तो माइकल कीटन जो कि बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो फाइनली कंफर्म हो चुके हैं कि वो फ्लैश मूवी में देखने को मिलेंगे, और देन ये बेन अफ्लेक को रिप्लेस करेंगे। उसी के साथ अगला अपडेट है वंडर वुमन का, तो वंडर वुमन का जो समय दिखाया गया था उससे भी पहले की एक इमेज रिवील्ड करी गई है। जी हाँ, इसका ईयर मुझे याद नहीं है, जैसे ही याद आ जाएगा अपनी स्टोरी पर डाल दूंगा। उसी के साथ बधाई हो जो कि एक बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी है, तो फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसकी पुरानी मूवी से कोई संबंध नहीं है, बधाई दो और बधाई हो दोनों अलग अलग हैं। उसी के साथ अकीरा का एक नया लेजेंडरी टॉय रिवील्ड करा गया, जिसमें कि उसकी आंखों से कुछ निकल रहा है, तो जी हाँ, ये एक न्यू पावर हो सकती है जो कि बहुत ही कमाल की लग रही है। ऑस्कर जो कि एक कमाल के एक्टर हैं, तो अपकमिंग मून नाइट के कंपोजर ने कंफर्म कर दिया कि ऑस्कर मून नाइट का कैरेक्टर प्ले करेंगे। जी हाँ, ऑफिशियली जैक स्नाइडर का मन है कि वो इलेक्ट्रा मूवी पे काम करें और मार्वल स्टूडियो में इस मूवी को बनाए, पर उनका ये मन है, उन्होंने कोई ऐसा ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं करा है कि वो काम करेंगे या नहीं। जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया कि दी सोसाइटी स्क्वाड आर रेटेड मूवी होगी। जी हाँ, ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी PG-13 रेटिंग दी गई है वांडा विजन को। और इसी के साथ जस्टिस लीग में 80% के नए शॉट लिए गए हैं, जो कि फुली न्यू है और जिसपे की VFX पे अब काम चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ जस्टिन बीबर ने चैलेंज करा है टॉम क्रूज को फाइटिंग के लिए, और डियर जॉनसन ने उस पर रिस्पॉन्स दिया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। उसी के साथ वांडा विजन को PG-13 की रेटिंग मिली है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और देन ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है और लोग इसे पसंद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि उन्हें 18+ कंटेंट देखने को मिले। और देन कुछ अपडेट ऐसे आ रहे हैं कि फॉक्स पहले एक्समैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर पर एक मूवी बनाने वाला था, पर राइट्स डिज्नी के पास आ गए, तो अब ये प्लान कैंसिल हो गया है। उसी के साथ आर्मी ऑफ डेड का ऑफिशियली नया लुक रिलीज करा गया है, जिसमें डेव बटिस्टा काफ़ी धमाकेदार तरीके से लग रहे हैं, और देन उनके हाथ में टैटू, पूरी उनकी वर्दी, और देन बंदूकें देख के तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, तो देखिएगा ज़रूर, और देन हिंदी का अपडेट आएगा तो आपको बता दूंगा। उसी के साथ हेलोवीन का ऑफिशियली नया लुक रिलीज करा गया है, जो कि टोटल फिल्म मैगजीन ने रिलीज करा है, और देन इसमें माइकल बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, और एकदम खतरनाक हॉरर लुक। जैक स्नाइडर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, VFX पे काम चल रहा है, और देन प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है, तो आप मेरी स्टोरी पे देख सकते हो जो कि न्यूयॉर्क स्क्वायर फुट पे लगी हुई है। उसी के साथ वांडा विजन के नए टीजर में पता चला कि जो एक बंदा था जिनने मधुमक्खी से बचने का जाल नेट पहन रखा था, वो सॉर्ड कंपनी के साथ है, यानी कि जो बाहर काम करती है। और देन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की शूटिंग को भी पॉज कर दिया, क्योंकि कोविड के केस वहाँ पे ज़्यादा निकल रहे हैं UK में। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो,
कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें, रियल में आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर कैप्टन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।